मैं जानना चाहूंगी कि जब ये ग्रहण लगता है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना बनाना चाहिए, क्या उसे खाना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी निश्चित रूप से, क्योंकि चंद्र ग्रहण इस समय उपछाया ग्रहण इसका नाम दिया गया है। और शास्त्रों में उपछाया ग्रहण क्या है, जैसे कि हमारे मित्र आचार्य संजय शर्मा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन हम एक बार शास्त्रों की ओर रुख करते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण आंशिक होता है, पूर्ण होता है और जो वलयाकार भी होता है। लेकिन उपछाया ग्रहण क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों में आया है निश्चित रूप से उपछाया ग्रहण में चंद्रमा को कोई हानि नहीं होती है, मतलब चंद्रमा पे कोई दोष होता ही नहीं। तब क्यों चंद्र ग्रहण कहा गया? चंद्रमा के बिंबों में ग्रहण लग जाता है, मतलब उनकी जो एक तरह से कांति हमारे और आपके प्रकृति के ऊपर पड़ती है वह धूमिल पड़ती है, धूम्र वर्ण की पड़ती है। शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में आया है कि रवींद्र राहु जो चंद्रमा को राहु और केतु जो कि छाया के रूप में है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये राहु और केतु का तो कोई कॉन्सेप्ट विज्ञान में है ही नहीं। देखिए अंधकार ही राहु और केतु है, जब इसका प्रभाव चंद्रमा और सूर्य के ऊपर आता है तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा की कांति को ढकेगी, चंद्रमा को नहीं, एक चीज स्पष्ट जान लें, चंद्रमा को नहीं ढकेगी, चंद्रमा के सामने नहीं आएगी, उसकी कांति से आके टकराएगी, तब हमारे ऊपर उसकी कांति पड़ेगी, तो इसे इसे उपछाया ग्रहण कहा जाता है। इसमें चंद्र ग्रहण का कोई रोल नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं कि इसे चंद्र ग्रहण के रूप में देखा ही नहीं जा सकता है। तो जब चंद्र ग्रहण के रूप में देखा नहीं जा सकता तो इसका सूतक मान्य नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी स्थिति जो कि चंद्र ग्रहण के दौरान आप संपन्न करते हैं वह आप जो बचाव उसका ना भी करें तब भी चलेगा। अच्छा, यहां पे सबसे प्रमुख जानकारी यह है, क्योंकि इस समय क्योंकि उपछाया ग्रहण है, राहु का प्रभाव केतु का प्रभाव रहेगा, तो गर्भवती महिलाएं अपने नवजात शिशु अर्थात अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए निश्चित रूप से गर्भ रक्षा यंत्र बनाएं, अपने पेट पे गोला बनाएं, हल्दी का बनाएं, गेरू का बनाएं, या अगर कुछ भी ना मिले तो पानी का ही एक गोला जो बना लें, उससे गर्भस्थ शिशु के निश्चित रूप से संपूर्ण अंगों पे चंद्रमा की वो मलिन कांति का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, अब उस प्रश्न पे आते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या ना करें, क्या क्या करें, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक है और मन इस शरीर का राजा है। हम मन से जो सोचते हैं वैसे बनते चले जाते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में पड़ता चला जाता है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान क्रोध ना करें, यानी उपछाया ग्रहण के दौरान भी आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, अन्यथा 15 दिन तक आप क्रोध की अग्नि में जलते रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके परिवार का भी कारक होता है। तो आप ध्यान रखें कि अपने परिवार से मनभेद मतभेद ना करें, हो सके तो भोजन आदि आदि ना करें, वैसे इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, उसको मैं रख करके अपनी बात को समाप्त करूं। जी बिल्कुल, क्योंकि यहां पे इस दिन पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, और पूर्णिमा का व्रत बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने विकास के लिए, अपने व्यापार के लिए रखते हैं, और निश्चित रूप से इसका प्रभाव होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि महाराज पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है तो हम कैसे व्रत करें? तो देखिए भैया 8:44 पे चंद्र ग्रहण, ये उपछाया ग्रहण प्रारंभ होगा, तो चंद्र दर्शन के दौरान आप अपनी पूजा पाठ संपन्न कर सकते हैं। वैसे भी इसका कोई प्रभाव हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं है, इसे चंद्र ग्रहण के रूप में माना ही नहीं जाता है। जी जी, बड़े ही विस्तार से आपने बताया कि हमें चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समय की थोड़ी सी कमी है तो अगला सवाल जो है वो पंडित संजय जी से मैं लेना चाहूंगी। पंडित जी, भारत में जो ये ग्रहण है ये कितने समय पर लग रहा है? जी, भारत में रात्रि के 8 बजकर
45 मिनट पे वृश्चिक लग्न में लग रहा है और रात को 1 बजे तक ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि 4 घंटे 15 मिनट और 39 सेकंड तक जो है भारतवर्ष में इस ग्रहण का प्रभाव माना जाएगा। और चंद्रमा, जैसे हमने शास्त्री जी ने बताया, विनोद शास्त्री जी ने, कि चंद्रमा मन का कारक है, क्योंकि हमारी जो मन की स्थिति है वो माँ भी है। और क्या है कि सूर्य हमारे शरीर में आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है, तो उसी प्रकार से चंद्र और सूर्य दोनों ही प्रत्यक्ष ग्रह हैं, जो इस संसार रूपी सागर में आकर के सूर्य हमें जो है तेज प्रदान करता है, चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है। तो ये जो ग्रहण है इसके अंदर जैसे कहा कि क्रोध ना करें। क्रोध क्या है कि क्रोध व्यक्ति को जब बढ़ जाता है, जब चंद्रमा अगर किसी का उच्च का हो तो ऐसे लोगों को क्रोध आता है। चंद्रमा नीच वाले जो लोग होते हैं वृश्चिक राशि वाले, थोड़े से फिर भी शांत होते हैं, परंतु अग्रेशन उनके अंदर आ जाता है। तो चंद्रमा की स्थिति में एक चीज और बोलना चाहेंगे, व्रत रखें और उस दिन अगर चांदी के गिलास में पानी भर करके और चंद्र को जो है अर्घ दिया जाए तो उसका बड़ा भारी विशेष जो है लाभ रहता है, कि चंद्रमा के लिए प्रिय धातु जो है चांदी है और चांदी में जल देने से विशेष लाभ रहता है। आप देखें कि करवा चौथ का जब स्त्रियां व्रत रखती हैं तो छलनी से चंद्रमा को देखती हैं, तो चंद्रमा को कभी भी नग्न अवस्था से और सूर्य को जब ग्रहण हो तो नग्न अवस्था से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण जो है एक प्रकार से शास्त्री जी ने जैसे बताया कि नहीं है, मान्य है, परंतु पूर्ण रूप से ग्रहण का प्रभाव भारत में या पूरे ब्रह्मांड में जो है पड़ेगा जरूर, पर कम पड़ेगा, क्योंकि धूमिल चंद्र है, मालिन्य चंद्र है इस कारण से। जी, तो पंडित विनोद भारद्वाज जी ने और संजय शर्मा जी ने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें मिली है। पंडित जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जेएनडी पे हमारे साथ जुड़ने के लिए।